खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। नासरीन, हर आए दिन अराजियात की आसमान छूती कीमतों के चलते शरपसंद लैंड ग्रैबर्स की नीयतें ख़राब होती चली जा रही है और कई सारे लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मासूम अवाम की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़े करते हुए अवाम को परेशान किया जा रहा है। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया जहां पर गोपी शेट्टी प्रभाकर नामी एक ज़ईफ शख्स को मधुसूदन, उनके बच्चे और चंद लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मुसलसिल परेशान किया जाता आ रहा है। वाज़ेह नाज़रीन के कई ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं जो कि अब तक कई मरतबा इसी धोखाधड़ी के मामलों में जेल भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियाँ उरूज पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें पुलिस व क़ानून का कोई डर व खौफ ही बाकी नहीं रहा, या फिर यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि किसी सियासी कायदीन या फिर पुलिस का इन्हें कुछ सपोर्ट हो, इसीलिए तो ये लोग बिना खौफ व ख़तर इस तरह के घोटाले करते हुए आराम से ज़मीनात को कब्ज़ा कर रहे हैं। बहरहाल गोपी शेट्टी की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए नाम गोप शेट्टी प्रभाकर है, मेरा पिताजी का नाम गोप शेट्टी राजन शंकरैया। मेरा 87 ईयर्स है। ये प्रॉपर्टी है सो पिताजी बालम राय में था, खरीदे सो है। जी, मेरा नाम शहजाद है, मैं प्रभाकर साहब का आपके प्रॉपर्टी का केयर टेकर हूँ। जैसा कि बताया प्रभाकर साहब ने कि इनकी प्रॉपर्टी बालम राय विलेज, रसूलपुरा विलेज बालम राय में, सिकंदराबाद में, सर्वे नंबर 75/2 पे है। और प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल वेकेट लैंड है, जिसके ऊपर थोड़ा काम डेकोरेशंस वालों को किराए पर दिए हैं हम लोग। इनकी थोड़ी एज की वजह से, तबीयत ख़राब रहने की वजह से थोड़े बहुत एलिगेशंस पैदा हो रहे हैं साइट पर, और जहाँ तक के पेपर नोटिफिकेशंस के हिसाब से प्रॉपर्टी के सेल डीड होल्डर हैं इनो, इनके वालिद साहब के थ्रू से प्रॉपर्टी आई हुई है इनको। ये देख सकते हैं आप सेल डीड में, प्रॉपर्टी 1954 में परचेस कर इसे प्रॉपर्टी है आपके फादर। फिर एलिगेशंस लगा रहे हैं इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के हिसाब से, एक मधुसूदन रेड्डी जो कि विनायका कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दूसरे मुनीर गंपति, TM मुनीर गंपति, जो कि दूसरे डोर नंबर्स के हिसाब से प्रॉपर्टी को सेल डेट कर चुके हैं, बताए हैं 98 में। और एज़ पर रेवेन्यू RDO ऑर्डर्स के हिसाब से, RDO में केस भी चला था इसका, इनके खिलाफ केस मुनीर गंपति हार चुके थे। जो सेल डीड्स और डोर नंबर्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स जितने भी लगाए थे उन्होंने लगा के प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब गोपी शेट्टी शंकरैया साहब से 30 लोगों के नाम पे, 30 जनों के नाम पे ट्रांसफ़र करे थे, उनके पास से मुनीर गंपति साहब खरीदे थे बोल के बताए। मगर वो RDO ऑर्डर के, RDO में केस चला 96 में, 97 या 98 में जजमेंट आया है RDO का, और एज़ पर RDO ऑर्डर मुनीर गंपति केस हार चुके हैं। और उसके बाद में श्री विनायका कंस्ट्रक्शंस वाले मधुसूदन रेड्डी, जो के साहब को बहुत परेशान कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, आज के प्रेजेंट डेट में भी उन्होंने आकर जो है साइट पे ताला डाला है, लॉक डाला है। जैसे कि जो कहना कि केस हारे उन्होंने, ठीक है, ये विनायका कंस्ट्रक्शन वाले रविंद्र रेड्डी साहब क्लेम कर रहे हैं, ये मधुसूदन रेड्डी साहब सॉरी, कि इन्होंने प्रॉपर्टी अनीता के पास से खरीदी है, डी अनीता के पास, ताकि डी अनीता FIR कॉपी में जो है सो बता चुकी है क्लियर के PS मार्केट में, ये प्रॉपर्टी ना मेरे फोर फादर्स की थी ना मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी। ये FIR कॉपी में, कंप्लेंट में लिख चुकी है उन्होंने।
दी अनीता, उनका प्रोफेशन क्या है? मिस अनीता का प्रोफेशन? मिस अनीता टीचर है, टीचर है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर कुछ है उन्होंने बता रहे थे। फोर फादर्स की प्रॉपर्टी नहीं है ना, मेरी कोई प्रॉपर्टी आती जो, ताकि मैं इनको रजिस्ट्रेशन करके दे चुकी हूँ बोलकर बताई है एफआईआर कॉपी में। एफआईआर में उनको जेल हुआ? हाँ, दो महीने की रिमांड हुई थी उनको। किसको? मधुसूदन रेड्डी को 2 महीने की रिमांड हुई थी। उसके बाद में फिर एंटीसिपेटरी बेल पर उन्होंने बाहर आए, बाहर आके फिर 2013 में सीआईएस पर सीआरपीसी केस नंबर क्या है वो साहब देखिए, हमारा 2021 का इंजंक्शन है ये, बिटवीन गोपी शेट्टी एंड बागीचा कंस्ट्रक्शंस, नेहा जैन, फातिमा उन्निसा, प्रभात सेट्टी, संगीता सेट्टी, जीएस प्रभाकर, प्रभाकर साहब एंड जीएस मोहन राव, मेरे छोटे भाई साहब, ये इंजंक्शन ऑर्डर है। ये क्या है? ये धनंजय साहब का भी इसमें जो है सो जिक्र किया गया है, उन्होंने केस पुट अप किया था मगर उनका डेथ हो चुकी है। प्रभाकर साहब के बड़े भाई है, मेरे इनके बड़े भाई है, उनका डेथ हो चुकी है 2016 में 15 में। अभी जो दो पार्टी के बीच में चल रहा है तो इसमें तीन पार्टी है, दो पार्टी है, ये केस चल रहा है, तीन पार्टी है, शो तो दो पार्टी हो रहे, दो पार्टी को शो कर रहे हैं उन लोग। आरडीओ मैडम क्या करे, दोनों पार्टियों को नोटिस भेजे, एक विनायका कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मधुसूदन रेड्डी और एक जो है सो मुनीर गणपति, टीएम मुनीर गणपति। आप लोग देखें उनके डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं बताए जी। हमारे को जिस दिन मालूम हुआ 1 अप्रैल को प्रभाकर साहब को लेके जाके हम जो है सो रिप्रेजेंटेशन फाइल करे बिना हमारे को नोटिस इशू करे या कोई इंटीमेशन दी। नहीं साहब, केस में ऑलरेडी जिक्र है इसका। कितने इयर से आप लोगों का पोजीशन है इसके ऊपर? हमारा पोजीशन तो जमाने से है, जमाना तो 1 साल 2 साल नहीं नहीं, तकरीबन 40-45 ईयर से पोजीशन है हमारा। जब से प्रॉपर्टी खरीदे आपके फादर उसके बाद से जो है पोजीशन हमारा ही मेंटेन कर लेते आ रहे हैं। पीसफुल पोजीशन है, आप एंजॉय भी कर रहे हो पोजीशन पे? पीसफुल पोजीशन है, एंजॉय कर रहे हैं पोजीशन पे। लेटेस्ट हाल ही में जो सर्वे भी कराए एज पर मंडल सर्वेयर के हिसाब से सर्वे भी करा है। तो सर्वे में क्या है? सर्वे में सीधा सीधा रिपोर्ट लिख के दिए सर्वेयर साहब। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही किसकी वजह से हो रही, मेन प्रॉब्लम क्या है आपको? कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है या फिर आरडीओ सही नहीं है आपके? हमारे पास सिर्फ एक ही है कि आरडीओ साहब हमारे को, आरडीओ साहब मैडम जो है सो प्रभाकर साहब को जब हम प्रेजेंट करे, जाके प्रभाकर साहब मिले आरडीओ के मैडम के पास, तो इनके भी कुछ जो है सो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हम रिप्रेजेंट करें पूरे जितने भी सेल डीड्स है एज ए पट्टेदार बिलोंग्स करते प्रॉपर्टी को, तो मैडम जो है सो बराबर सुनना नहीं चाह रहे थे। एमआरओ मैडम के पास गए, एमआरओ मैडम के पास भी जाके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करे, सबमिट करके मैडम क्या बोले कि रिपोर्ट बना के हम जो है सो आपको इंटीमेट करते। सुनना क्यों नहीं चाह रहे आप लोगों की बात? क्योंकि मधुसूदन रेड्डी साहब जो विनायका कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, उनके फेवर में उन्होंने ज्यादा बोल रहे हैं। किसके फेवर में? मधुसूदन रेड्डी साहब बोल रहे हैं। आरडीओ मैडम, आरडीओ मैडम का नाम क्या है? वसंता कुमारी, कोसा, सिकंदराबाद मंडल, सिकंदराबाद आरडीओ, वसंता रेड्डी मैडम, वसंता कुमारी मैडम, वसंता कुमारी जी हाँ। आप लोग डायरेक्ट उनको अप्रोच हुए? हाँ मैडम, जाके पट्टेदार, हु इज द पट्टेदार, कैन यू प्लीज कॉल हिम, श्योर आप 1 घंटे के बाद आए, आके जो है मैडम से मिले, अकेले बुला के मिले। प्रभाकर साहब भी बता रहे थे कि मैडम जो है सो ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट बात करके जो है बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे बोल के बताए, मगर 6 तारीख को मैडम प्रोसीडिंग इशू कर दिए। प्रोसीडिंग इशू करे इसमें जो है सो पार्टी हमारे को भी बताए, आपको भी बताए, जीएस प्रभाकर साहब को भी बनाए थे पार्टी, उसमें एज पर कोर्ट केस सीआरएलपी नंबर 552 ऑफ 2014 श्री मधुसूदन रेड्डी एंड अदर्स, ठीक है, इसमें जो है सो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट पीएस ऑर्डर्स ऑफ सीएलआर नंबर सिकंदराबाद तहसील, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट पीएस और अपना मधु टेक्नो डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, जी मधुसूदन रेड्डी को गई थी कॉपी, विनया कंस्ट्रक्शंस को गई,
टी मुनीर गंबती इनको भी गई थी। हमारे जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं जिसकी सेल डेट कैंसिल हुई थी, बताए थे ना रजिस्ट्रेशन करे थे उन्होंने, कॉपी टू द तहसीलदार सिकंदराबाद मंडल, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन, टू सीईओ कंटेनमेंट बोर्ड को भी नोटिस भेजे हैं लोग 6 तारीख को, एसएचओ सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन बेगमपेट, टू एसीपी सीसीएस हैदराबाद इन्फॉर्मिंग नेसेसरी एक्शन विद रेफरेंस बोलकर दिए, कॉपी भेजे। अब इसमें इन लोग जो है सो मैडम क्लियर मेंशन कर रहे, हमारा जिक्र कुछ भी नहीं करे मैडम, हमारा नाम डालते हुए भी, ताकि हम लोग जाके रिप्रेजेंटेशन फाइल करें, पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, उसमें अटैच करके डालें। आपके डॉक्यूमेंट 75/2 सर्वे नंबर, ये प्रॉपर्टी 28 सर्वे नंबर की है बोलकर इन लोग झगड़ा चल रहा बोल के बताए, हम जाके साहब जाके बताए कि ये प्रॉपर्टी 75/2 सर्वे नंबर है बोले तो मैडम एक ही अल्फाज इस्तेमाल करे, सर्वे नंबर 75/2 वो रसूलपुरा विलेज में एग्जिस्ट नहीं होती, फिर कहाँ होती मैडम, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद होती बोल के बता रहे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सक रहे मैडम। तो आप सर्वे करा के दो, सर्वे करा के दिए हुए तो कंटोनमेंट बोर्ड से सर्वे नहीं हुआ, 66-67 के बाद से आज तक सर्वे नहीं हुआ। आप लोग लास्ट टाइम कब कराए थे सर्वे? आप लोग हम लोग यहाँ करा के 1-2 महीने हो रहा वो आप लोग कराए थे, वो हम लोग यहाँ कराए एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड मंडल सर्वे कलेक्टर, ये अपना कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद, उसमें भी जो सो पूरा रिकॉर्ड छान निकालने के बावजूद भी विलेज मैप में सर्वे नंबर 75/2 लोकेट नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या करे मंडल सर्वेयर साहब, एज पर ओल्ड फसली न्यू फसली डॉक्यूमेंट के हिसाब से सर्वे नंबर 28 पार्ट बोलकर सर्वे रिपोर्ट बना के दिए हमको 2975 स्क्वायर यार्ड्स। सर्वे नंबर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी 84-85 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आई थी 75/2 गोपी शेट्टी शंकर, उसके बाद में आबादी बोलकर आ चुका था। हम क्या करें फिर इसी के ऊपर सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर हाउस नंबर अलॉट करें, उन लोग हाउस नंबर अलॉट करें एससीबी का नया नंबर 3-16-366, ये न्यू नंबर है। उसके बाद ये बाकी के 22 नंबर अलॉट हुए, 26 बाई नंबर्स है फ्रॉम 1-14-266 से लेकर 1-14-278 तक गोपी शेट्टी शंकराया साहब के नाम पे टिल डेट 84 से लेके 2022-23 तक टैक्स पे ही है हम। उसके बावजूद भी मधुसूदन रेड्डी साहब दूसरे डोर नंबर्स लगाकर 1-37-20 डोर नंबर लगाकर आरडीओ मैडम के पास केस फाइल करें, पीछे का डोर नंबर आ रहा है ये प्रॉपर्टी को, पीछे का डोर नंबर डाल के ये प्रॉपर्टी को डोर नंबर डाल के क्लेम कर रहे हैं उन लोग। अब या ये आरडीओ मैडम देखना नहीं चाह रहे, ये हम कॉपी आरडीओ मैडम के पास सबमिट भी कर चुके हैं टैक्स रिसिप्ट, ना उसका जिक्र है इसमें ना कुछ है, खाली ओल्ड सर्वे ओल्ड नंबर एससीबी नंबर और न्यू एससीबी नंबर के हिसाब से है। और आज भी साइट पे मधुसूदन रेड्डी साहब के बेटे साहब उन्होंने आके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे। आज सुबह आज दोपहर की बात है 12 बजे के टाइम पे मधुसूदन और उनके बेटे और उनके थोड़े लोग उनके जो चहेते हैं या रोडी शीटर आए कोई भी है हमारे को नहीं मालूम, लेकिन आके मालूम ये बोर्ड पे लगा दिए ऐसा एज पर द ऑर्डर ऑफ आरटीओ बोल के डाल के मालूम हमारा गेट को मालूम चाबी डालने के लिए कोशिश करे और चाबी भी डाल दिए। हम लोग कितना भी मालूम बात कर रहे तो मालूम सुनने की आदत पेश नहीं हो लगा, और ये लोग बोल रहे कि मालूम हम लोग ऑलरेडी नोटिस दे दिए हम लोग आपको बोल के बोल रहे ऐसा प्रभाकर साहब को नोटिस दिए दिए बोल के बोल रहे थे, ऑलरेडी हमारे को कुछ भी इश्यू नहीं हुआ। और जब भी वही इतला में मालूम जब भी मालूम 100 को डायल करके मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाले आके बात करे, बात करने के बाद में दोनों को लेके आके पुलिस स्टेशन में बात कराए, बात करने के बाद में सीए साहब क्या बोले हमारे को नहीं मालूम, फिर बाद में सीए साहब बोले आप चले जाओ, बोला कुछ भी नहीं करते बोल के बोल रहे, लेकिन मालूम ये रोज का रोज पंचायत वही चल रहा जा रहा। अभी भी मालूम गेट के नहीं मालूम 10 लोग बैठे हुए हैं
और उनके नोटिस भेजे, कितने पार्टियों में भेजे? आरडीओ वाले दो ही जने को पार्टियों भेजी, कौन? वो प्रभाकर साहब को और मालूम कमेटी को, और हमारे को नोटिस आया ही नहीं। हालांकि पार्टी उसमें कोर्ट के हिसाब से इनो भी है, प्रभाकर साहब भी है। प्रभाकर साहब को ना नोटिस सर्व हुई पेशी में अटेंड करने के लिए आरडीओ साहब के पास, ना उसके बाद में आरडीओ की प्रोसीडिंग आए बाद में, ना इनको कुछ प्रोसीडिंग ऑर्डर आया। इसका आपका कहना है, इसका मतलब ये है कि आप लोग आगे वाले जो है कंडम ऑफ कोर्ट करना कर रहे हैं, कंडम ऑफ कोर्ट कर रहे हैं इसमें। आरडीओ मैडम, आरडीओ मैडम सीधा सीधा विनय कंस्ट्रक्शन के मधुसूदन रेड्डी साहब के फेवर में पूरा बात कर रहे हैं, और उनको जो है सो हमारी, हमारे प्रभाकर साहब की भी तो, पटेदार के साहब की दरखास्त भी तो सुनना चाहिए ना उन्होंने। खासरा किसका है? एज पर खासरा, ये अभी बताता हूँ, खासरा पहानी में सर्वे नंबर 75/2 30 गुंटास हीरा भाई के नाम पर आ रहा है, जिससे हम प्रॉपर्टी परचेस करे हैं सेल डीड, गोपी शेट्टी शंकर है, सर्टिफाइड कॉपी। कब का है ये? 2021 ये निकाले सो है हम, या देख ले सकते हैं। ये मैंने हाल ही में 3 महीने पहले निकाला है, नवंबर में, सर्टिफाइड कॉपी। पुलिस वाले हमारे साथ में आके बात करे, फिर बाद में स्टेशन को लेके गए दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियों को लेके आने के बाद में बोले कि मालूम सीए साहब से वो लोग जाके पर्सनली पहले बात कर लिए, बात कर लेके सीए साहब बोले कि मालूम नहीं आरडीओ से आओ फिर बाद में बात करेंगे बोल के बोल रहे थे, फिर बाद में बात करेंगे बोले, फिर बाद में आओ बोल के बोले थे, अभी तक फिर बाद में बात नहीं करेंगे। इधर गेट को चाबी डाले से चाबी भी निकाल देने के लिए बोले थे हमारे को, वो लोग को आओ ना को बोल के बोले थे, फिर अभी तक बात नहीं हुई। फिर बाद में तो आप लोग एक बार जाके आरडीओ मैडम को थैंक यू बोलना था जी, वही करना है अभी, उनकी वजह से सब प्रॉब्लम है जी। आरडीओ मैडम से प्रॉब्लम हो रहा है इधर पूरा। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं पहले की जैसे घूम नहीं सकता, ऑफिसों में घूम नहीं सकता, तो मेरे को ये जो गुंडा लोग है जो मेरा कब्जा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनसे मेरे को मुफ्त करार दीजिए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं ओल्ड एज में हूँ, अगर ये टॉर्चर मेरे को ज्यादा हो गया तो आई विल कमिट सुसाइड। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।